दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि कब कॉल बाई करते हैं, कब पुट बाई करते हैं और कौन से प्रीमियम में एंट्री लें ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो, अगर आप इन सब चीजों को जानना चाहते हैं और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने आज बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको लाइव एक कॉल साइड की ट्रेड, एक पुट साइड की ट्रेड लेकर दिखाऊंगा जिससे कि आप चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कब किस साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा अगर एक लॉट से ट्रेडिंग करना है तो हमारे पास कितने रुपए का कैपिटल होना चाहिए, हम कितने रुपए से एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हम सबसे ज्यादा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ज्यादा लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी होती है जिससे कि एक सेकंड के अंदर काफी ज्यादा मोमेंटम आते हैं, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि कहां पर स्टॉप लॉस रखना है और कहां पर टारगेट सेट करना है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं, आपने कुछ दिन पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया है या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको निफ्टी 50 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा बिगनर से कहता हूं कि उन्हें पहले स्टॉक से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, पहले उन्हें मार्केट के बारे में समझना चाहिए। जब वो मार्केट के बारे में कुछ चीज़ों को समझ लें उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करें, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करें, उनके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो में सीख जाएंगे कि पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आपका डीमेट अकाउंट जिस भी एप्लीकेशन में है या आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने दो बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब हम ग्रो एप्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। हमें यहाँ टॉप में ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिलता है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करके निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, मार्केट किस साइड जाने वाला है। जैसा कि मुझे अभी इस पैटर्न को देखकर लगता है कि निफ्टी 50 अभी यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा तो मैं सिंपली यहाँ पर पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लूंगा। देखिए, ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करना होगा। हम जैसे ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक साइड हमें कॉल प्राइस का ऑप्शन दिखेगा, एक साइड हमें पुट प्राइस का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो मैंने बहुत सी वीडियो में ऑप्शन चेन के बारे में समझाया है कि यहाँ पर अलग अलग एक्सपायरी डेट होते हैं, इस साइड कॉल प्राइस के प्रीमियम होते हैं, इस साइड पुट प्राइस के प्रीमियम होते हैं और यहाँ पर स्पॉट प्राइस होता है जहाँ पर निफ्टी 50 की करंट प्राइस दिख रही होती है कि अभी निफ्टी 50 किस प्राइस पर चल रही है। देखिए, यहाँ पर कॉल साइड के लिए भी बहुत सारे प्रीमियम है, पुट साइड के लिए भी बहुत सारे प्रीमियम है, तो हम सही प्रीमियम में एंट्री कैसे लें जिससे कि एंट्री लेने के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट हो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वह सस्ता प्रीमियम चुनते हैं जिसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है तो उन्हें लगता है कि वह कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई करके ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में एंट्री लेंगे उतना ही लॉस करने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए आप बस इतना समझिए, आपको जब भी ट्रेड लेना हो, चाहे कॉल साइड के लिए चाहे पुट साइड के लिए, अगर आप कॉल साइड के लिए ट्रेड लेते हैं तो इस स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले 2-3 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अपना ट्रेड लें, और वहीं अगर आप पुट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं तो इस स्पॉट प्राइस के नीचे वाले 2-3 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना ट्रेड लें जिससे कि आप इन द मनी और एट द मनी के अंदर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर आपका प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी पुट साइड के लिए ट्रेड लें तो इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लें, और कॉल साइड के लिए ट्रेड लें तो इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लें। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा और गिरेगा तो मैं पुट साइड के एट द मनी में एंट्री लूंगा। हम जैसे इस प्रीमियम पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर सेलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप हमेशा डिलीवरी पर सेलेक्ट करके ही ट्रेड लें। इसके नीचे हमें यहाँ पर लॉट का ऑप्शन दिखता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने वाली है, पहले निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी के एक लॉट होते थे, लेकिन अभी लॉट कम करके 25 क्वांटिटी के एक लॉट कर दिए गए हैं जिससे कि काफ़ी सारे लोग कम पैसे से भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक लॉट बाई करने के लिए हमें 6,300 रुपये के करीब में देना होगा जिसमें हमें 25 क्वांटिटी मिलेंगे। अगर प्रीमियम की प्राइस 1 रुपये बढ़ती है तो हमें 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पर प्रीमियम की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और सारे प्रीमियम का दाम बढ़ा दिया गया है, लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम खत्म होता है
तो हम यहाँ पर 3 से 4 हजार रुपए के अंदर ही एक लॉट बाई कर सकते हैं और एक लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ही लॉट से ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि एक लॉट से हम कितने का प्रॉफिट कर सकते हैं और कितने तक का लॉस कर सकते हैं। देखिए, इसके नीचे हम मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं और प्राइस लिमिट को सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करने के बाद हम जैसे बाई के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा ऑर्डर लग जाएगा और हमें यहाँ पर हमारा पोजीशन दिखने लगेगा। देखिए, अभी हमें इसमें 18 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो अचानक से 25 रुपए का लॉस दिखने लग रहा है। आप यहाँ पर देखिए, 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारा लॉस बढ़कर 150 रुपए तक पहुँच चुका है। हमारी एंट्री हुई है 237.70 रुपए पर और अभी इस प्रीमियम की प्राइस 233.34 रुपए पर चल रही है। आप यहां पर इस प्रीमियम के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। अगर यहां से कैंडल ऊपर जाता है तब हमें प्रॉफिट होगा और कैंडल नीचे आता है तब हमें लॉस होगा। चलिए जल्दी से हम यहां पर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर लेते हैं ताकि अगर अचानक से प्राइस मूव हो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। देखिए, आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करें सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को सेट जरूर करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी ज्यादा मोमेंटम होता है। आप देखते रह जाएंगे और आपको 3 से 4 हजार रुपए का लॉस कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए स्टॉप लॉस पहले सेट जरूर करें। देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने के लिए हम जैसे पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जिस प्राइस पर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एंट्री ली है 237 रुपए पर और मैं अपने स्टॉप लॉस को सेट करने वाला हूँ 225 रुपए पर। स्टॉप लॉस एंटर करने के बाद यहाँ नीचे एड टारगेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम उस प्राइस को एंटर कर सकते हैं जहाँ पर हम एग्जिट होना चाहते हैं, जहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर 250 रुपए एंटर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी प्राइस 250 रुपए पहुंचे तो हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाए और हमें प्रॉफिट बुक हो जाए। देखिए, इन दोनों में प्राइस एंटर करने के बाद हम जैसे सेल पर क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर लग जाएगा। अगर इसकी प्राइस गिरेगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और प्राइस बढ़ेगी तो हमारा टारगेट हिट होगा। ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। अभी देखिए, हमारा लॉस बढ़कर 150-200 रुपए तक पहुंच चुका है। हमें एंट्री लिए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और यहाँ पर यह कैंडल नीचे आने लगी। मुझे लगता है कि कुछ ही सेकंडों के अंदर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही है तो हमारे प्रीमियम की प्राइस गिर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट साइड के प्रीमियम में एंट्री लिया है। जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो पुट साइड के सारे प्रीमियम की प्राइस गिरेगी, और जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तो पुट साइड के सारे प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर 2 मिनट के अंदर ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें इस ट्रेड में 367 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। हमें लगा था कि यहाँ से निफ्टी 50 गिरेगी तो इस प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन निफ्टी 50 ऊपर गई और हमारे प्रीमियम की प्राइस गिरी तो हमें यहाँ पर 367 रुपए का लॉस बुक हुआ। अभी देखिए, मुझे लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं और मैं इसी चीज को देखकर अब यहाँ पर एक कॉल साइड के प्रीमियम में एंट्री लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर कॉल साइड के एट द मनी के प्रीमियम ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर इसके चार्ट को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी तो सिंपली हम बाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी मैं एक लॉट से ही ट्रेड लूंगा। यहाँ पर मैं इस बार प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेने वाला हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर 235 रुपए का प्राइस लिमिट सेट कर देता हूँ। जैसे इस प्रीमियम की प्राइस 235 रुपए पर आएगी, हमारा ऑर्डर लग जाएगा और हमें हमारी पोजीशन दिखने लगेगी। देखिए, यहाँ पर हमारी पोजीशन दिखने लगी है। अभी हमें इसमें 50-100 रुपए का लॉस दिख रहा है। जल्दी से हम इसमें भी अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 220 रुपए, हमारा टारगेट है 280 रुपए और हमने एंट्री बनाई है 235 रुपए पर। अभी हमें इसमें 40-50-100 रुपए 150 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस काफी तेजी से मूवमेंट होता है। एक एक सेकंड के अंदर 2-2, 3-3 रुपए ऊपर नीचे होते हैं। अगर यहाँ पर हमारा 5-6 लोट होता तो यहाँ पर प्रॉफिट भी ज्यादा दिखता और लॉस भी ज्यादा दिखता। आप देखें तो कभी यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो कभी अचानक से वह प्रॉफिट कम हो जा रहा है। अगर हम प्रीमियम के कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर तो जाएगी। देखिए, अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 160-175 रुपए तक पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देखिए, जब कॉल साइड की प्रीमियम की प्राइस बढ़ रही है तो पुट साइड की प्रीमियम की प्राइस गिर रही है।
वहीं जब निफ्टी 50 डाउन साइड में आएगा तो पुट साइड की प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी और कॉल साइड की प्रीमियम की प्राइस डाउन होगी। अभी हमें इसमें 150 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, सारा प्रॉफिट कम होकर 20-30 रुपए पर आ चुका है। वापस से प्रॉफिट बढ़कर 100-150 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए यहां पर हमने एक लॉट से एंट्री ली है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होते हैं। अगर इस प्रीमियम की प्राइस 1 रुपए बढ़ रही है तो हमें 25 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए अभी हमें इसमें 200 से ऊपर का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और हमारा लॉस कम होकर 146 रुपए बचा है। देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-350 रुपए तक पहुंच चुका है और सारा लॉस रिकवर हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कैंडल कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में अचानक से इतने तेज मोमेंट आते हैं कि हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कब कितने का लॉस हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600-700 रुपये तक पहुँच चुका है। अगर आप पुट साइड के प्रीमियम की प्राइस देखें तो इसकी प्राइस गिरकर 204-205 रुपये पर आ चुकी है। सिंपली यहाँ पर देखिए हम इस ट्रेड से 946 रुपये का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुके हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। देखिए निफ्टी 50 में हम ज़्यादातर स्कैल्पिंग के लिए ही ट्रेड लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही हम अपने पोजिशन को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तब वहां पर हमें आधा घंटा, एक घंटा, दो दो घंटे वेट करना पड़ता है। अगर आप फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके बाद आप एग्जिट हो जाएं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा मात्र 10 मिनट के अंदर एक लॉट से हमने 946 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, जिसमें कि लॉस रिकवर करने के बाद हमें टोटल में 578 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और इसमें से 160 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे दोनों ट्रेड के। देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड के एक एक ट्रेड को लेकर देखा कि कब किस साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरने वाली होगी तब हम पुट साइड के किसी एक प्रीमियम को बाई करेंगे, और जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली होगी तब हम कॉल साइड के किसी एक प्रीमियम को बाई करेंगे। बहुत से लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब उन्हें किस साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए। आपको पता चल गया, जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तो पुट बाई करना है और प्राइस बढ़ेगी तो कॉल बाई करना है। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि आप सिर्फ 5,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप यह मत सोचिए कि आप सिर्फ 5,000 रुपये के कैपिटल से डेली के 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनाने लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप 5,000 रुपये के कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है, कब किस साइड के लिए ट्रेड लेना होता है, कौन से पैटर्न बनने पर मार्केट किस साइड जाता है। आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख लें, कैपिटल बढ़ाकर आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप यह मत सोचिए कि आपने 5,000 रुपये का कैपिटल डाला इसके बाद तो आप डेली के 1,000 से 2,000 रुपये का प्रॉफिट करने लगेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इस लालच से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो 5,000 रुपये का कैपिटल आप 10-15 दिन के अंदर ही लॉस कर देंगे। आप सिंपली सोचिए कि इस कैपिटल से आपको ट्रेडिंग को सीखना है कि ट्रेडिंग काम कैसे करता है। जब आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख लें उसके बाद कैपिटल को बढ़ाकर आप ट्रेडिंग से पैसे तो कमा ही सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह तो पता चल गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला ट्रेड कैसे लें और कब किस साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।